झरिया धनसार इन दिनों कोयला चोर का मनोबल इतना बढ़ा है कि अगर किसी ने उसे कुछ बोला तो उसको पीट दिया जाता है। विक्ट्री तालाब और चंदवारी लाइन इन दिनों कोयला चोरों के लिए हॉटस्पॉट बना है। यहाँ कोयला चोरों का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है। दिन के उजालों में बस्ता कोयला कोल ट्रांसपोर्टिंग मार्ग बेड़ा के समीप ट्रांसपोर्टिंग कार में लगे हाईवा वाहन को कोयला चोर जबरन रोक कर कोयला उतराते हैं, जिससे दर्जनों मोटरसाइकिल के सहारे बस्ता कोयला के रास्ते विक्ट्री तालाब और चांदमारी के समीप इकट्ठा करते हैं। अवैध कोयले को रात के अंधेरे में गोविंदपुर और बरबड्डा आदि भट्टों में भेज दिया जाता है। ताजा मामला यह है कि शुक्रवार की देर शाम विक्ट्री तालाब के समीप रहने वाले लक्ष्मण चौहान ने जब बाइक ग्रहों को रोका तो दर्जनों कोयला चोर मौके पर पहुंच लक्ष्मण चौहान की जमकर धुनाई कर दी। पति को पीटते देख लक्ष्मण चौहान की पत्नी ने जब इसका विरोध किया तो उसके बच्चे को बदमाशों ने गोद में छीनकर झपट लिया और जिससे बच्चा घायल हो गया। लक्ष्मण चौहान और उसकी पत्नी को भी बदमाशों ने जमकर पिटाई कर दिया। लक्ष्मण ने इसकी शिकायत झरिया थाना में की। बता दें कि झरिया थाना और धनसार थाना का सीमावर्ती क्षेत्र है, वहीं से अवैध कोयला को अंजाम दिया जाता है। इधर घटना की सूचना पर झारखंड मुक्ति मोर्चा व झारखंड कोयलरी मजदूर यूनियन के दर्जनों नेता व समर्थकों ने चांदमारी पहुंच कोयला चोरी का विरोध किया और जिसके बाद झरिया थाना प्रभारी संतोष सिंह मौके पर पहुंच आसपास के क्षेत्र से करीब 60 टन से अधिक कोयला को पकड़ा है। जब्त कोयले को बस्ता कोयला प्रबंधन को सौंपने की तैयारी में है। पुलिस कोयला चोरों पर कार्रवाई में जुट गई है। साथ में यही हुआ कि मतलब ये मेरा हस्बैंड जब बोलने के लिए गया तो इन पे हाथ उठाए और इन पे हाथ उठाए तो हम गए बोलने के लिए तो हम मेरा बच्चा और हमको भी धकेल दिया। मेरा भी हाथ मतलब धक्का दे दिया, गर्दन पे हाथ डाला और जो गले में हम पहने हुए थे वो भी खींच लिया और वो मिला नहीं। मेरा सोने का लोकेट था और मिला नहीं। कहाँ रहते हैं? चोट लगते हैं विक्ट्री को लिया दमाला। ये लोग कहाँ से ढोरा को कहाँ से ढो रहा है कैसे कहें सर? हम लोग स्टॉक कहाँ कर रहे हैं लोग? कैसे झरिया था ना स्टॉक कहाँ पर कर रहा है? कहाँ पर जमा कर रहा है? घर के पास? हाँ वो अपना घर के पास बुधन मंडल के घर के पीछे जमा कर रहा है। क्या नाम हुआ आपका? राखी देवी।